हे गाइस, कैसे आप सब लोग। तो आज से हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी के ऊपर। ये वीडियो सीरीज होगी, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे राजा राम मोहन रॉय के बारे में। काफ़ी इम्पोर्टेंट फिगर है ये इंडियन हिस्ट्री में। इसके बारे में आप डिस्कस करेंगे। तो इनका जो जन्म हुआ था, ये बंगाल प्रेसिडेंसी में हुआ था 1772, एक हिंदू बंगाली फैमिली में। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है यूपीएससी के लिए। यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है जो हमें नेक्स्ट डिस्कस करूँगा। ही वॉज सेंट टू, इसके एजुकेशन के बारे में देख लेते हैं इनके। ही वॉज सेंट टू पटना फॉर हायर एजुकेशन, वेयर ही स्टडी पर्शियन एंड एरोबिक। ही रेड द कुरान, एरोबिक ट्रांसलेशन ऑफ द वर्क ऑफ प्लेटो एंड एरिस्टोटल एंड द वर्क ऑफ सूफी मिस्टिक पोइट्स। बाय द एज ऑफ 15, रॉय हैड लर्न बंगला, पर्शियन, एरोबिक, संस्कृत। ही ऑल्सो न्यू हिंदी एंड इंग्लिश। तो आप इससे जान सकते हैं कि ही न्यू लॉट्स ऑफ लैंग्वेज। इसके अलावा उन्होंने स्टडी की वेदास की, उपनिषदा की एंड हिंदू फिलोसफी की। इसके साथ साथ उन्होंने क्रिश्चियनिटी और इस्लाम इस्लाम के ऊपर भी स्टडी किया है। ओके, एट द एज ऑफ 16 ही रोट रेशनल क्रिटिक ऑफ हिंदू आइडल वर्शिप। ओके, तो इससे आप जान सकते हैं कि ही वॉज अगेंस्ट द आइडल वर्शिप। ओके, फ्रॉम 1809 टू 1814 ही सर्व इन द रिवेन्यू डिपार्टमेंट इन द ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके, सो 1809 से 1814 तक, ठीक है, ये रिवेन्यू डिपार्टमेंट में इन्होंने काम भी किया है। ओके, ऑल्सो ही वर्क पर्सनल डिवान टू दी वुड फोर्ट एंड डिगबोई। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब 1814 में क्या होता है, इनकी जो लाइफ का मिशन है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, इन्होंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया रिलीजियस, सोशल एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म के लिए। ओके, इन हिज एड्रेस एंटाइटल्ड इनॉग्यूरेटर ऑफ मॉडर्न एज इन इंडिया, टैगोर रेफर्ड टू राजा राम मोहन रॉय एज अ ल्यूमिनस स्टार इन द फर्मामेंट ऑफ इंडियन हिस्ट्री। ओके, सो आप इससे टैगोर ने ये इनको एड्रेस किया है। ठीक है, He visited England as ambassador of Mughal King Akbar Shah II, okay, where he died from a disease, okay. और इसके अलावा he was given the title Raja by the Mughal Emperor Akbar II, okay. तो राजा के जो टाइटल दिया था उनको वो मुगल एम्परर अकबर II ने दिया था। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन में चलते हैं। इनके पॉलिटिकल और इनके इकोनॉमिक रिफॉर्म जो इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ही वॉज इम्प्रेस्ड एंड एडमायर्ड द सिविल लिबर्टी गिवन टू द पीपल अंडर द ब्रिटिश सिस्टम। ओके, सो इस सिस्टम को वो जो इंडियन पीपल है उन तक ये पहुंचाना चाहते थे, इस बेनिफिट को। ठीक है, तो इसके अलावा उन्होंने टैक्स रिफॉर्म भी किए हैं, जैसे कि ही कंडेम्ड द ओप्रेसिव प्रैक्टिस ऑफ बंगाल जमींदार। ओके, ही डिमांडेड फिक्सेशन ऑफ मिनिमम रेंट, ही कॉल्ड फॉर रिडक्शन ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन इंडियन गुड्स अब्रॉड एंड डिमांडेड द एवोल्यूशन ऑफ टैक्स ऑन लैंड फ्री। ओके, टैक्स फ्री लैंड। ही रेज द वॉइस फॉर द एवोल्यूशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेडिंग राइट। ओके, तो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिफॉर्म हमने देख लिया। ठीक है, नेक्स्ट है इनका प्रेस फ्रीडम के ऊपर। ओके, सो ही स्पोक अगेंस्ट द रिस्ट्रिक्शन इम्पोज ऑन द प्रेस। ओके, थ्रू हिज राइटिंग एंड एक्टिविटीज ही सपोर्टेड द मूवमेंट फॉर प्रेस फ्री इन इंडिया। ओके, या फ्री प्रेस इन इंडिया। व्हेन द सेंसरशिप वॉज रिलैक्स्ड बाय द हेस्टिंग इन 1819, रॉय फाउंडेड थ्री जर्नल। ओके, ये इंपॉर्टेंट है जो इन थ्री जर्नल जो इन्होंने फाउंड की। तो फर्स्ट इसमें से द ब्राह्मणिकल मैगजीन। ओके, उसके बाद जो बंगाली वीकली थी ये संवाद कुंभदी। ओके, इसके बाद उन्होंने एक पर्शियन वीकली भी स्टार्ट की जिसका नाम था मीरात उल अकबर। ओके, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर इट। इसके अलावा उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव जो रिफॉर्म किए थे इसके बारे में, ही डिमांडेड इक्वलिटी बिटवीन इंडियन एंड यूरोपियन। ओके, ही वॉन्टेड टू द इंडियनाइजेशन ऑफ सुपीरियर सर्विस एंड सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम द जुडिशरी। ओके, सो ही वॉज इन द फेवर ऑफ इंडियनाइजेशन ऑफ सुपीरियर सर्विस। ओके, जो उस टाइम जो बड़ी बड़ी पोस्टें थी उस टाइम वो सिर्फ अंग्रेजों तक ही सीमित थी। ठीक है, इसके बाद
इनका जो नेक्स्ट है ये सोशल कंट्रीब्यूशन। ओके, तो सोशल कंट्रीब्यूशन में इन्हें आमित्य सभा, ठीक है, आमित्य सभा जो है 1840 में उन्हें एस्टेब्लिश किया था। इसके अलावा कोलकाता यूनिटेरियन एसोसिएशन 1821 एंड 1828 में इन्होंने ब्रह्मो सभा, ठीक है, जो बाद में और ब्रह्मो समाज भी उसके ब्रह्मो समाज के में बदल गया। ठीक है, ही कैंपेन फॉर राइट फॉर वुमेन, ओके, विडोरी मैरिज, ओके, राइट फॉर विडो टू होल्ड प्रॉपर्टी, ओके। इसके अलावा उनके और कंट्रीब्यूशन क्या क्या है, ये ही हिज एफर्ट लेड टू दी एबोलिशन ऑफ सती, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो इनका कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, जो इनके एफर्ट के कारण ही सती जो एबोलिश की थी लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने, ओके। ही वॉज ऑल्सो अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ पॉलीगेमी, ओके। इसके अलावा उन्हें ही वॉज अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम, अनटचेबिलिटी, सुपरस्टिशन एंड यूज ऑफ इंटॉक्सिकेंट, ओके। ही अटैक द चाइल्ड मैरिज, ओके, चाइल्ड मैरिज के खिलाफ थे, पॉलीगेमी, इलिटरेसी ऑफ वुमेन, ठीक है, डिग्रेडेड स्टेट ऑफ विडोज, ठीक है। ही स्ट्रेस्ड ऑन रेशनलिज्म एंड मॉडर्न साइंटिफिक अप्रोच, ओके, मॉडर्न साइंटिफिक अप्रोच के ये फेवर में थे। ही फॉट अगेंस्ट द परसीव्ड इल्स ऑफ हिंदू सोसाइटी एट दैट टाइम, ठीक है। तो ये तो आप खुद भी आइडिया लगा सकते थे कि ये रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट थे, ठीक है, ये रिफॉर्म करना चाहते थे जो हिंदू धर्म था उस टाइम, ठीक है, क्योंकि उस टाइम हिंदू धर्म में काफ़ी जो बुरी जो उनकी कुरीतियाँ थी उनको वो ठीक करना चाहते थे, ठीक है। इसके अलावा उन्हें संवाद कुमुदी में जो सती था उस टाइम, ठीक है, काफ़ी प्रेवलेंट था, उसको उन्होंने बारबारिक एक्ट कहा, एंड इट वॉज अगेंस्ट द हिंदुइज्म, ओके। सो दीज वर सम तो क्या मतलब बहुत सारे भी जो उन्हें कंट्रीब्यूशन किए हैं। और नेक्स्ट इनके देख लेते हैं एजुकेशनल की, एजुकेशन की फील्ड में इनके क्या क्या योगदान है। ही स्टार्टेड मैनी स्कूल टू एजुकेट इंडियन इन द वेस्टर्न साइंटिफिक एजुकेशन, ओके, मतलब ये वेस्टर्न साइंटिफिक जो एजुकेशन था उसके ये फेवर में थे इन इंग्लिश, ओके। ही बिलीव दैट इंग्लिश लैंग्वेज वॉज सुपीरियर, ओके, ये फैक्ट आ सकता है, प्रीलिम में स्टेटमेंट आ सकती है, तो आपको इसको अच्छी तरह से देख लेना है, ठीक है, क्योंकि उनका ये मानना था जो इंग्लिश लैंग्वेज है ये काफ़ी सुपीरियर लैंग्वेज है, ओके, ट्रेडिशनल इंडियन एजुकेशन सिस्टम से, ओके। ही सपोर्टेड डेविड हारे टू फाइंड द हिंदू कॉलेज इन 1817, ठीक है, तो हिंदू कॉलेज किसने एस्टेब्लिश किया था, डेविड हारे ने, और इसमें किसने इनको सपोर्ट किया था, वो थे राजा राम मोहन रॉय। इन 1825 ही एस्टेब्लिश वेदांता कॉलेज, ओके, वेयर द कोर्स इन बोथ इंडियन लर्निंग एंड वेस्टर्न फिलोसफी, वेस्टर्न सोशल एंड फिजिकल साइंस वर ऑफर्ड, ओके। सो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि वेस्टर्न साइंटिफिक एजुकेशन के ये फेवर में थे, ओके, इंडियन लैंग्वेज को वो सुपीरियर नहीं समझते थे, ओके, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज वॉज सुपीरियर एज एज स्टेटेड बाय राजा राम मोहन रॉय। ही ऑल्सो सपोर्टेड डेविड हारे टू फाइंड द हिंदू कॉलेज, ओके, हिंदू कॉलेज इन 1817, वेदांता कॉलेज, ठीक है, उन्होंने एस्टेब्लिश किया 1825 में। इसके अलावा इनके रिलीजियस कॉन्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। रिलीजियस जो इनकी फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क था ये था तुफात उल मुजाहिदीन, ओके, ए गिफ्ट टू डिसीज ही, इट वॉज पब्लिश इन 1803, जिसमें इन्होंने इरेशनल जो बिलीव थे हिंदू धर्म में उनको इसमें इन्होंने एक्सपोज किया है, ठीक है। ही अपोज आइडोलेटरी एंड करप्ट प्रैक्टिस इन द हिंदू रिलीजन, ओके। ही वॉज अगेंस्ट द प्रेसिव पॉलीथिज्म ऑफ हिंदुइज्म, ही एडवोकेटेड मोनोथिज्म, ओके, तो इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ही वॉज इन द फेवर ऑफ मोनोथिज्म। इन 1814 ही फाउंडेड आमित्य सभा, जो हमने पहले डिस्कस किया था, इन कोलकाता टू कैंपेन अगेंस्ट आइडोलेटरी, कास्ट रिजिडिटी, मीनिंगलेस रिचुअल एंड अदर सोशल इल्स। ही क्रिटिसाइज द रिचुअलिज्म इन क्रिश्चैनिटी एंड रिजेक्टेड क्राइस्ट एज द इनकारनेशन ऑफ गॉड, ओके। इन प्रिसिप्ट ऑफ जीजस, ओके, इंपॉर्टेंट इनका पब्लिकेशन है, वर्क है, ठीक है। ही ट्राई टू सेपरेट द मॉरल फिलोसफिकल मैसेज ऑफ न्यू टेस्टामेंट, ओके, तो प्रिसिप्ट ऑफ जीजस, ओके, इंपॉर्टेंट है, याद रखना।
ही ट्रांसलेटेड वेदा ऑल्सो ओके एंड फाइव उपनिषद इन टू बंगाली ओके दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट। ये डायरेक्टली स्टेटमेंट आ सकती है कि इन्होंने जो वेदा को ट्रांसलेट किया था फाइव उपनिषद को इन्होंने बंगाल में ट्रांसलेट किया था ओके। इट वॉज बिकॉज ऑफ हिज कंट्रीब्यूशन इन सोशल रिलीजियस पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल द राजा राम मोहन रॉय ओके इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया एंड द फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस ओके। तो क्योंकि उन्हें काफ़ी इनकी काफ़ी जो फील्ड में इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है तो इसीलिए इनको फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया एंड फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस भी कहा जाता है। इसके अलावा इनने इनके कुछ लिटरेरी वर्क हैं सो आप इनको खुद देख लेना है। सो दिस वॉज अवर टूडे डिस्कशन ऑन राजा राम मोहन रॉय। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू वेरी मच।